सो हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, कुछ कारण की वजह से हम दो चार दिन व्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि हम गए थे गांव। मैंने व्लॉग में पहले दिन बता दिया था, लेकिन वो व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ है। तो तीन चार व्लॉग कुछ अपलोड करने के बाकी, एडिट करने के भी बाकी है बेटा। तो हम गए थे गांव, हमारे चाचा की शादी थी। लेकिन सीन ऐसा हुआ कि मेरा भाई निकाल रहा था फ़ोटो, मतलब वो फोटोग्राफर है इसीलिए, और दूसरा बंदा कोई था नहीं। तो हम बोले कि हम भी उसे थोड़ा सपोर्ट करते, तो हम भी जुड़ गए फोटोग्राफी में और पूरा दिन फोटोग्राफी में चला गया। तो ना ही व्लॉग करने के लिए मिला, ना कुछ करने के लिए, ना घूमने के लिए मिला, ना एंजॉय करने के लिए मिला। लेकिन जितना भी हुआ मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है, छोटे छोटे क्लिप्स। तो हम कर देंगे, कुछ ना कुछ तैयार करेंगे, थोड़ी बहुत स्टोरी तैयार हो जाएगी, तो आप देख लेना वो बाद में। लेकिन वो वाले जो ब्लॉग्स है वो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा वन बाय वन, और आज से हम फिर से स्टार्टिंग करें अपने कंटिन्यू डेली वाली ब्लॉगिंग। तो हम अभी ये चीज़ बना रहे हैं, जब ये चीज़ बन के तैयार हो जाएगी तब मैं बता दूंगा एक क्या है। तो अभी बजे कुछ 4:20 शाम को या फिर दोपहर को, और मम्मी की हमारी सेकेंड वैक्सीन कंप्लीट हो गई है, तो अभी वो आराम कर रही है। और भाई का कॉलेज भी स्टार्ट हुआ था 2-3 दिन पहले कुछ, तब हम थे गांव में, और अभी लौटा है। 5 बजने को आए तो फिर पानी भरने की तैयारी स्टार्ट हो गई है इधर, फिर से ये डेली की रूटीन ही बन गई है। पानी भरो और कुछ काम सब मिलता हूँ बाद में। गणेश तुझा फोटो पाठवला मला, अब आता जस्ट आला तू वरती आला सर। ओके जी। आणि मेसेज का म्हणा एक दुखी आ तू मला। अपने भाई की न्यू बैग, ब्रांड 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 ब्रांडेड चीज चाहिए बाबा, असली एक कॉपी होने पर। अरे एक हाथ से जाता ही नहीं। शाम का काम फोटोग्राफर विद एडिटर एंड दिस क्लाइंट इन द हाउस। तो फिर आप सब लोग सोच रहे होंगे कि तीन लोग कहाँ पे जा रहे हैं, ये दो और एक। तो हम जा रहे हैं अभी एक प्रिंट निकालने के लिए, फोटो की प्रिंट है इसलिए इतना दूर जाना पड़ रहा है। हम लोग जा रहे हैं जोगेश्वर स्टेशन दुर्गा नगर से एक फ़ोटो की प्रिंट निकालने के लिए, क्योंकि अर्जेंट है कल बैंक में जमा करने की, इसलिए भीड़ इतनी है कि ब्लॉक करने के लिए मिल ही नहीं रहा। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने स्टेशन वाले माहौल में। लेफ्ट साइड शॉप, राइट साइड शॉप, गाड़ियों की आवाज़, गांव में कितना मज़ा आ रहा था, एकदम शांत भरा माहौल था। और यहाँ पे देखो हम लोग आए यहाँ पर प्रिंट निकालने के, ये वाला शॉप है
प्रिंट मार्क। और भाई साहब अपने कहीं प्रिंट निकालने के लिए कान नहीं, तुझे सीक्रेट रिवील कर। ऐसा सीन हुआ है कि जो प्रिंटर था वो ख़राब निकला, उसको लाइन लाइन छोड़ रहा था, इसलिए हम लोग दूसरे शॉप में आए। लेकिन यहाँ पे भी मिलेगा ऐसा आशा नहीं है, फोटो हमारा काम हो रहा है कि नहीं, तो शायद हमें दूसरे शॉप में जाना पड़ेगा। Two hours later. तो गाइज एक सीन हुआ था कि पापा के दांत में अचानक इतना दर्द होने लगा है, तो हमें जाना पड़ा मेडिकल। अब 1 बजे कुछ 11:30 हमें लगा मेडिकल बंद हुआ, लेकिन कुछ किस्मती से मेडिकल ओपन था, तो यही काम हो गया हमारा। अब जाते हैं घर, मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ इधर। रोड पे ही मिला तो नसीब अच्छा था, इसलिए मिल गया, नहीं तो बहुत दूर जाना पड़ता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इधर चल रहा है रात को व्हाट्सएप चैटिंग, और ये भाई देखो फ्री फायर चालू है। अरे भाई इस अंधेरे में तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे भाई कोई भी नहीं दिख रहा है, इतना गोरा है फिर भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या होगा। तो गायब भी हो गया और हम भी